अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मेरे कैट का सेटअप बताऊंगी। जैसे कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मेरे घर में जगह ना होने की वजह से मैं मेरी कैट्स को गैलरी में ही रखती थी, लेकिन बारिश के पानी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें घर में रखने के लिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं उन्हें खाने में क्या देती हूँ। बॉयल अंडा ले लें आप। इसमें मैं फर्स्ट इसमें हम 1 स्पून जितना फ़िश ऑयल ऐड करेंगे, एंड नेक्स्ट इसमें हम कैल्शियम की दवाई मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, ऑस्टोपेट इसका नाम है, आपको ये इजीली मेडिकल में मिल जाएगी। ये भी मैं इसमें 1 स्पून ऐड कर रही हूँ। अब आप लोग देखोगे कि मैंने एक कैट को पिंजरे में रखा है और एक नीचे खुली है। अभी फ़िलहाल मैंने उसे वीडियो शूट के लिए बंद करके रखा है, वैसे वो खुली रहती है। जो पिंजरे में बंद है वो मेल है। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स ना भी करोगे तो इसे ऐसे ही आप इसे खाने के लिए दे दें। मेल को मैंने बंद इसलिए रखा है क्योंकि मेरी फ़ीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, तो सिर्फ नाइट में ही मैं मेल को बंद रखती हूँ पिंजरे में। डोर की तरफ मैंने यहाँ पर डोर के सामने ही बराबर मैंने ऊपर की तरफ पिंजरे को बंद करके रखा है एक रस्सी की हेल्प से, ताकि ये नीचे ना आए। उसके बाजू में जो बास्केट पड़ी है उसमें सारी दवाई एंड ब्रशेस है मेरे कैट्स के। यहाँ पर एक आपको कैरेट दिख रही है जिसमें मैंने कपड़ा बिछा कर रखा हुआ है, जिसमें कैट मेरी जाकर सोती है रात में। और यहाँ पर जो टब है ये इसका लीटर बॉक्स है, तो ट्रेन है दोनों भी मेरे कैट। एंड इसके अलावा पानी और खाना, इसके अलावा और कोई टॉयज़ वगैरह ये लोग नहीं लेते हैं। बॉल वगैरह मैं कभी कभी देती हूँ, और मैंने ठंडी बहुत ज़्यादा है बारिश की वजह से, तो मैंने एक येलो बल्ब लगाया है ताकि उन लोगों को गर्मी मिल सके। सो कुछ इस तरीके से मैंने सेटअप किया है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वैसे मैं इस चैनल पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और की हेल्प हो जाए। अभी मेरी कैट फीमेल कैट प्रेग्नेंट है, तो उसके रिलेटेड भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि उसे खाने में क्या देना है, कौन सी दवाई देनी है, मैं किस तरीके से उसका ध्यान रखती हूँ, कितनी बार हमें दिन में ग्रूमिंग करनी चाहिए एंड ऑल। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके बताना आपको मेरा सेटअप कैसे लगा, और अगर इसमें कोई इम्प्रूव की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय गाइज़।